क्या आप जानते हैं कि आपके घर के वास्तु का संबंध सीधा सीधा आपकी जन्म कुंडली से है। बहुत से वास्तु एक्सपर्ट तो वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते ही नहीं है, वो सीधा वास्तु की बात करते हैं और वास्तु के बारे में ही बताते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो भी महादशा चल रही है, तो हर ग्रह से आपके जो 45 देवी देवता हैं, हम उनका लिंक किसी ना किसी ग्रह से है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यदि किसी की मरकरी की दशा अंतरदशा या महादशा चल रही है, तब मेषवान, सवित्र, वृष, मृग, सुग्रीव, शोषा और वृश्चिक नामक देवता एक्टिव हो जाते हैं और जोन को भी एक्टिव कर देते हैं। और यदि किसी की शनि की दशा या शनि की महादशा चल रही है, तो उस वक्त पुषा, गंधर्व, रोक, बल्लाट, जया और मित्र ये देवता एक्टिवेट हो जाते हैं और वो जोन भी आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। और आपको उसी देवता और उसी जोन से संबंधित समस्याओं का यदि सामना करना पड़ता है, यदि वहाँ पे वास्तु दोष होते हैं, वास्तु स्पर्श आते हैं, वो अपने हिसाब से वास्तु करके चले जाते हैं, उसके बाद भी आपको उनके अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। और ये इस प्रकार से इन देवी देवताओं के अलग अलग जोन बताए गए हैं, कौन से जोन में का किस प्रकार का एट्रीब्यूट्स हैं और कौन से देवता वहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो आपको सबसे पहले वास्तु करने से पहले यह देखना जरूरी है कि आपकी कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है, और इस वक्त उस देवता वो दो देवता आपके किस जोन में बैठे हुए हैं और उस जोन में बैठकर आपको क्या क्या सिग्निफिकेटर आपको दे रहे हैं। यदि आप भी किस तरीके की वास्तु आपकी जन्म तिथि से ही संभव है, यदि आप ये सब जानना चाहते हैं, तो अभी क्लिक कीजिए नीचे दिए गए लिंक।